हे वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम आपके साथ सेवेंथ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटेड विद सब्सक्रिप्शन। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन क्लोजिंग एज वेल एज ओपनिंग बैलेंस शीट। अलोंग विद दिस आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल सम नंबर 20 ऑफ टीएस गरेवाल बुक भी क्लियर करने जा रहे हैं एनपीओ चैप्टर का। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन ट्रीटमेंट इन एनपीओ, राइट। तो आपको जब भी ये सब्सक्रिप्शन दी जाएगी, ये अगर आपको किस में दी जाती है, एडजस्टमेंट में दी जाती है, तो एडजस्टमेंट के ऑलवेज कितने इफेक्ट्स होते हैं? 2 इफेक्ट्स होते हैं, डन। और सेकेंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो आपके पास एडवांस या फिर हमारे पास आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन दी जा रही है, ये 2 काइंड की दी जाएगी, ओपनिंग और क्लोजिंग। ऐसे ही ये भी ओपनिंग होगा और ये भी क्या होगा, क्लोजिंग होगा। तो इट मींस हम 4 तरह की एडजस्टमेंट की बात करेंगे, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, बस उसी को हम लर्न करेंगे और लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें जो एडजस्टमेंट करनी है वो 2 तरह की करनी है। तो पहले हम बिगनिंग के बारे में सीखेंगे, फिर हम एंड के बारे में सीखेंगे। तो जो बिगनिंग की एडवांस और आउटस्टैंडिंग होगी वो एक जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, दूसरी जाएगी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में। और जो एडवांस और आपके पास आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन होगी वो एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी और एक जाएगी आपके पास क्लोजिंग बैलेंस शीट में। देन तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ईयर क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर करा था। तो बेटर है कि पहले आप हमारा लास्ट वीडियो देखिए, देन मूव टू द दिस वीडियो, ओके। फिर हमारे पास है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन एक आपको दी जाएगी और जो ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया जाएगा उसमें ये सब्सक्रिप्शन गिवन रहेगी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन होती है वो होती है रिसिप्ट इन कैश बेसिस, ठीक है। ये हमने पहले क्लियर कर रखा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट आती है कि कैश फॉर्म में सब्सक्रिप्शन कितनी आई है, चाहे वो पुराने साल की हो, आने वाले साल की हो या इस साल की हो। तो टोटल सब्सक्रिप्शन दे दी जाती है, बट जो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये सिर्फ डील करता है करंट ईयर के साथ। दैट्स व्हाई हमें ये सारा तामझाम करना पड़ता है, सो दैट हम उसको अपना सिर्फ करंट ईयर में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो दी जाएगी कौन सी एंड के ईयर की, उसको एड कर देना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो शुरू की होगी उसको क्या कर देना है, लेस। फिर लेस क्या कर देना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, ऐड करनी है रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग, ठीक है। ये अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा कि ये क्या क्या हमने क्या क्या डाल देना है, आइए इसको थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। इजी बनाने के लिए आपके पास देखिए आज हम बात किसकी कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। 2 तरह के आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एंड की बात कर रहे हैं और आउटस्टैंडिंग किसकी बात कर रहे हैं, बिगनिंग की। ऐसे ही हम एडवांस, 2 तरह के एडवांस की बात कर रहे हैं, एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द बिगनिंग। अब ये एंड और बिगनिंग ये मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ, अभी समझाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।
अब देखिए क्विकली हम फॉर्मूला बना लेते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, समझ में आया? लिखना क्या है, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, एडवांस एडवांस, फिर आपको लिखना है एंड बिगिनिंग एंड बिगिनिंग एंड बिगिनिंग एंड बिगिनिंग, फिर क्या कर देना यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, बस ये आपके पास ये देखिए फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। जो ये यहाँ पे इतना टफ लग रहा है, यहाँ पे हमने उसको उतना ही क्या बना दिया है, इजी बना दिया है ना? तो इसको रिवाइंड करके आप एक बार जरूर देख लीजिए कि कैसे ये फॉर्मूला बनकर आया है इजी वे में। तो ये फॉर्मूला बन जाता है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी होती है वो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। देन हमारे पास आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट क्या होगा और ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या होगा। बिल्कुल ही सेम है क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस शीट, बस फर्क ये है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग क्या लेना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन सी ये लेनी है आपको, ओपनिंग वाली, और आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी यही दो चीजें लेनी है, एडवांस और आउटस्टैंडिंग, बट ये कौन सी लेनी है, क्लोजिंग डेट्स की, ठीक है, बस यही फर्क है। और लिखने का तरीका भी यही होगा, लायबिलिटी साइड पे आपके पास यहाँ पे आ जाने वाली है एडवांस सब्सक्रिप्शन और एसेट साइड पे आपके पास आ जाने वाली है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग में भी और ओपनिंग में भी। लायबिलिटी होती है एडवांस सब्सक्रिप्शन, इनकम है ना हमारे पास, इसलिए सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है, तो अगर एडवांस में आ गया तो वो हमें देनी पड़ेगी, लायबिलिटी बन जाती है, और अगर कुछ आउटस्टैंडिंग इनकम रह जाती है तो वो हमारी क्या बन जाती है, एसेट। बस दिमाग में आपको क्या रखना है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग डेट्स डालनी है और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग की डालनी है, बस इतना सब काम है। ये आपके पास क्वेश्चन है सम नंबर 20 ऑफ टीएस गरेवाल बुक का, 21-22 एडिशन की हमने बुक में से ये क्वेश्चन लिया है, जिसमें ये 20th क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे 1st अप्रैल दे रखी है और 31st मार्च दे रखी है। क्या दे रखी है यहाँ पे हम समझ लेते हैं, आपको दे रखा है 1st अप्रैल, ठीक है, और एक आपके पास देखिए ये जो ईयर है 1st अप्रैल 2020 का, ये एंड कब होगा आपके पास, 31st मार्च 2021 को, ये हो गया एंड का, ये हो गए बिगिनिंग। अब हमें बिगिनिंग की भी एडवांस चाहिए और क्या चाहिए, आउटस्टैंडिंग, एंड की भी हमें एडवांस चाहिए और क्या चाहिए, आउटस्टैंडिंग। तो यही इंफॉर्मेशन है, देखिए 1st अप्रैल 2020 इट मींस ये बिगिनिंग की है और ये 31st मार्च ये क्या है, क्लोजिंग की है। एरियर, एरियर क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, तो ये बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग हो गया और ये एडवांस हो गया बिगिनिंग का, दिस इज आउटस्टैंडिंग ऑफ एंड एंड दिस इज सब्सक्रिप्शन, ये हमारे पास होगी एडवांस एंड। और अगर आपको ये सारी बातें मेरी जो पीछे हमने करा था फॉर्मूला क्या करा था, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसमें क्या लिखते थे पहले हम, क्या बात करते थे आपके साथ, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, एडवांस एडवांस, आउटस्टैंडिंग के साथ शुरुआत किसके साथ करते थे, एंड बिगनिंग एंड बिगनिंग, फॉर्मूला बन गया। इसमें आप ये इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की ट्रीटमेंट करेंगे और आ जाएगा। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें दे रखी हैं जो समझने वाली है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31st मार्च 2021 3 लाख, रिसीव्ड कितनी करी, तो ये फिगर किसकी है, रिसिप्टेंट पेमेंट। सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 19 और 20, ये 10,000 है, इसका कुछ नहीं करना, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अब क्यों कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कि पिछले साल का अभी एरियर बचा हुआ है 10,000,
यहाँ पे भी वर्ड यूज किया गया था फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। तो लास्ट का आउटस्टैंडिंग आपको दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का। तो जो ये 10,000 का है ना बच्चा, ये इसी में ही क्या है, इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यहाँ पे भी फॉर द ईयर एंडेड है, यहाँ पे भी फॉर द ईयर एंडेड है, तो ऐसा केस आएगा। तो ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया गया और कुछ नहीं है, तो इसको हम डील नहीं करेंगे, डन। तो चलिए अब हम अपना ये सारा सम जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट हम इसको अपना पूरा फिल कर सके, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इस सब में आपको बोला गया है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट बताना है, लेकिन हम बोनस में आपको बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट भी बताएंगे कि कैसे बैलेंस शीट में भी डालना है। ये देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे डालना है, ठीक है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन जो होती है वो हमारी क्या होती है राजे, इनकम होती है। तो हम यहाँ इनकम साइड पे सब्सक्रिप्शन लिख देंगे, हमारे पास कितनी थी 3 लाख। अब हम अपना फॉर्मूला कर देंगे एड लेस लेस एड, बोलते जाइए। अब क्या क्या करना है, एड क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एंड लेस करना है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, फिर करना है एडवांस एंड और एडवांस पे। अब इसकी फिगर्स हम फिल कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास था एंड का था 25,000, फिर आपके पास थी 50,000, ये फिगर थी, ये थी 70 और लास्ट में आपके पास थे 30,000। ये माइनस की फिगर्स को ब्रैकेट में डाल दोगे, कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2,35,000। ये आपके पास आ गई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात, ठीक है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो हमारे पास आ गया, अब हमने क्या करना है, अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट देखनी है। क्लोजिंग बैलेंस शीट का देखिए, एक ये है फिगर और एक ये फिगर है। ये आपके पास आउटस्टैंडिंग है और ये क्या है, एडवांस है, क्लोजिंग, ठीक है। तो अब आपके पास देख लेते हैं कैसे इसको डील करेंगे। ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं, ये रही हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसमें लायबिलिटी साइड में मैंने आपको बताया था कि एडवांस वर्ड यूज किया जाता है सब्सक्रिप्शन, और यहाँ क्या किया जाता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये था हमारे पास 25,000 और एडवांस थी आपके पास 70,000, ये फिगर थी। एंड सेम ट्रीटमेंट ओपनिंग में होगा, यहाँ डालेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहाँ डालेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। फर्क बस कितना होने वाला है, फर्क ये होने वाला है कि फिगर्स चेंज हो जाएंगे। ये देखिए, ये 50,000 और 30,000, ठीक है। ये अब आप ओपनिंग में डाल देंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास आ गई 30 और ये आ गई 50। तो ये बोनस पॉइंट भी मैंने आपको यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे इसको डील किया जाता है अलोंग विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो ये 3 अकाउंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो डील करनी होती है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनपीओ। तो ये आज का हमारा वीडियो था, होप करते हैं आपको पसंद आया होगा। आने वाले वीडियोस में हम और सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड प्रैक्टिकल सम्स लेकर आएंगे। पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।